अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं पीर सैयद अब्दुल कादिर बापू की कुछ करामतों के बारे में बयान करना चाहता हूँ। दोस्तों, मुझे काफ़ी सारे कॉल्स आए थे कि पीर साहब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों से शिफा मिली है, जैसे कि कैंसर जैसा मर्ज था, किसी को पाँव में दर्द था, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम था, न जाने किसी किसी बीमारियों से बापू की दुआओं से शिफा मिली है। यकीनन अल्लाह के वलियों में अल्लाह पाक ने वो तासीर रखी है कि इनके दर पे जो भी आता है वो कभी मायूस नहीं जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने उनको खूब नवाजा होता है। हमने कुरान में भी असाबे काप का वाक्य सुना है। अल्लाह पाक ने वलियों की मोहब्बत में रहने वाला कुत्ता, उनको भी अल्लाह पाक ने जन्नत की बसारत दी है। हम तो इंसान है, अगर हम अल्लाह के वलियों की सोबत में रहेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर हमें फैज़ मिलेगा। हमारा यही मिशन है कि लोगों को अल्लाह के वलियों का फैज़ मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, हम पीर साहब की दो तीन करामतों के बारे में बयान करते हैं। हाल ही में पीर साहब जामनगर गए हुए थे और जामनगर में काफ़ी जायरीन भी आए हुए थे। पीर साहब पलंग के ऊपर बैठे हुए थे और पलंग के ऊपर एक पानी का गिलास पूरा भरा पड़ा हुआ था। तो सलीम भाई और काफ़ी लोगों ने उस गिलास को देखा कि वो गिलास से बिल्कुल उल्टा हो गया और अचानक वो सीधा भी हो गया। तो जब पूरा भरा हुआ पानी का गिलास होता है तो अगर वो उल्टा हो जाए तो जाहिर है कि इसमें से पानी निकल जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो पानी का गिलास था वो उल्टा हुआ और फिर सीधा हुआ, लेकिन पानी जितना भी भरा हुआ था उतना ही था, उसमें पानी कुछ भी कम ना हुआ था। तो ये करामत काफ़ी लोगों ने वहाँ पे देखी और मुझे बताई, तो मैंने इसके ऊपर ये वीडियो बनाया। और दूसरी एक करामत बताता हूँ बापू की। नाजरीन, बापू के गांव में एक आदमी रहता था जो चाय की होटल चलाता था। बापू अक्सर उनके पास जाया करते थे और वो बापू को हमेशा देखता था कि बापू दोनों हाथों को अपने एक दूसरे हाथ से मिला रहे। तो वो देखकर काफ़ी हैरत में पड़ता था कि बापू ये क्या कर रहे ऐसी, मतलब अदा देखकर वो कभी कभी बापू से पूछना चाहता था मगर पूछ नहीं पाता था। एक दिन ऐसा मौका आया कि उसने बापू से ये पूछ लिया कि बापू आप ये दोनों हाथों को ऐसे मिला रहे हो, मतलब क्या ये क्या वजह है आप दोनों हाथों को ऐसे मिला रहे हो। तो बापू ने कहा कि ये आदत मैं आज से तुझे देता हूँ। फिर दूसरा दिन हुआ तो वो आदमी बापू की तरह ही दोनों हाथों को मिला रहे, फिर उनकी ऐसी आदत हो गई। काफ़ी वर्षों से बापू की तरह वो भी अपने दोनों हाथों से हाथ में मिला रहा था, क्योंकि बापू ने उनको कहा था कि आज से मैं ये तुझे देता हूँ। फिर वो मतलब काफ़ी हर्षा हो गया, वो ऐसे ही मिलाता रहा। लोग उनको पूछते थे कि ये आप क्या करते हो, तो वो बोलता कि मुझे पता नहीं बापू ने कहा है कि मैं ये तुझे देता हूँ, अब मेरी भी ऐसी आदत हो गई है। तो ऐसे करते करते उनकी काफ़ी ज़िंदगी गुजरी और वो जब बीमार पड़ा तो बापू के पास आया और बापू को कहने लगा, हजरत कि अब मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, आपने जो मुझे ये आदत दी है, जो मुझे अदा दी है, आप दुआ करें और ये अदा वापस ले ले। फिर बापू ने उनसे वो जो बापू की जो अदा थी, जो आदत थी, वो वापस ले ली। फिर उसने वो करना छोड़ दिया और फिर इसके बाद वो आदमी का दुनिया से रुख्सत हो गया, दुनिया से उनका पर्दा हो गया। दोस्तों, ये पीर साहब की करामतें हैं। मैं आपको पीर साहब की करामतों के बारे में क्या बयान करूँ, ऐसी बड़ी हस्ती है अल्लाह की कि अल्लाह पाक ने इनको खूब नवाजा है।